टाइटल यू ऑल नो कि आज मैं बड़ी वायरल सी मैगी रेसिपीज ट्राई करने वाली हूँ. आई गॉट अ फ्री सरप्राइज डिलाइट फॉर दिस बिग स्माइल ऑन माय फेस. तीन वायरल रेसिपी है जो मैंने ट्राई करनी है. एलियो ओलियो स्टाइल मैगी डेफिनेटली फेल. और Hi guys, what's up? Welcome to my channel. Welcome to another video. I hope you all are doing well. So from the title, you all know कि आज मैं बड़ी वायरल सी मैगी रेसिपीज ट्राई करने वाली हूँ. ओके, सो दिस वॉज समथिंग जो मुझे बहुत टाइम से करना था. आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कोई मेरे साथ आए और हम साथ में मिल के करें, यू नो, बिकॉज अकेले इसका क्या मजा. बट अब जब कोई है नहीं साथ में, सो आई वॉज लाइक इट्स ओके. नाउ दैट आई एम क्रेविंग सम मैगी टुडे, लेट्स जस्ट गो फॉर इट. और थोड़ी सी वायरल जो वो फैंसी रेसिपीज होती है जो हम सब ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखी होती है, आई रियली वॉन्ट टू ट्राई इट एंड देखते हैं कि वो वर्कआउट होती है कि नहीं होती है. एंड आई थिंक इट विल बी जस्ट फन, यू नो, टू एक्सपेरिमेंट दीज मैगी रेसिपीज. मैगी नहीं थी घर में तो मैगी ऑर्डर करी है, होपफुली वो एनी मोमेंट आती ही होगी. मीनवाइल व्हाट आई हैव डन इज मैंने थोड़े से गार्लिक जो है वो पील कर रखे हैं और बहुत ही छोटे छोटे धनिया चॉप करके रखा है, कोरिएंडर लीव्स. सो हाँ, तो इसे अभी हमें बहुत ही बारीक बारीक काटना है. दीज आर ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी ऑर्डर की. बट फर्स्ट आई एम एक्साइटेड कि इसके अंदर क्या है. देखते हैं. हाउ कूल यार, हाउ स्वीट. सिंस इट्स क्रिसमस टाइम, दे नो कि अपने कस्टमर्स को कैसे खुश रखना चाहिए. खुशी प्योर चॉकलेट मिल्क प्लम केक. यार ये मैं उनका कोई एड वगैरह नहीं कर रही हूँ, इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर कि आप क्रिसमस के टाइम पे ऐसे फ्री गुडीज दे रही हो. आई मीन इट जस्ट ब्रॉट अ बिग स्माइल ऑन माई फेस. एनी वे, इसे अभी बाद में खाएंगे, पहले जो मैगी रेसिपीज ट्राई करनी है वो करें. बताया नहीं है, टोटल तीन वायरल रेसिपी है जो मैंने ट्राई करनी है आज. और उसमें से जो पहली है वो ऐसा है कि आपको बस इसको ऐसे 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 करके स्क्वायर कट करना है, उसी में गर्म पानी और मसाला डालना है, कवर करना है एंड वो अपने आप हो जाएगा. इट जस्ट साउंड्स रियली वियर्ड, बट क्योंकि आज मुझे बहुत ऐसे चूल हो रहा है कि हाँ भाई आज तो सब अतरंगी चीज़ें करनी ही करनी है, लेट्स गो फॉर इट. मैंने इधर ऐसे प्लेट ले रखी है बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं इधर सब मैस कर दूँ. सो वाओ, फिर लोगों को ऐसे आइडियाज आते कहाँ से. और फिर मेरे जैसे भी लोग होते हैं जिनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्राई करना चाहिए ये सब, वरना लाइफ काफ़ी बोरिंग होती रहेगी. दिस जस्ट एड्स अ लॉट ऑफ फन इन द लाइफ, यू नो. सो ऐसे करके ओह सॉरी, हाँ, कवर करने के लिए आप हमें ऐसा रखना है. ठीक है, द मसाला इज योर गरम पानी. गाइस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है, पर लेट्स वेट फॉर द वाटर टू बॉइल. फ्यू मोमेंट्स लेटर चलो देख ही लेते हैं. हे, रहा नहीं जाता. सो जब तक मैगी बॉइल हो रही है, हमारी जो पहली वायरल रेसिपी थी उसका रिजल्ट टाइम आ गया है गाइस. सो 3, 2, 1. व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस. कोई क्यों ही ट्राई करेगा इस. मेरे जैसे लोग भी तो होते हैं जिसको ऐसा होता है कि यार कर लेते हैं ट्राई. बट दिस इज अ कंप्लीट फेल बिकॉज ऑब्वियसली इट डिडंट गेट दैट मच ऑफ स्पेस टू कुक. और मसाला भी मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे पता नहीं क्या ही हो रहा है. सो दिस इज डेफिनेटली अ फेल. और मैं ऐसे टेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ. अगर जिसको कच्ची मैगी खाने का ऐसे शौक हो वो शौक से खा सकता है, बट आई एम नॉट समबडी जिसे कच्ची मैगी पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है. सो इसे हम अगली रेसिपी में कर लेंगे यूज, बिकॉज ये वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगी, दैट्स फॉर श्योर. सो कोई कॉमेंट में आके नहीं बोलेगा अरे ये तो खाना खराब कर रही है, खाना वेस्ट कर रही है. गाइज मुझे पता है मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन सारी चीज़ों का, ठीक है. दिस इज नॉट गोइंग टू वेस्ट. So the garlic is chopped and we are apparently making alio olio style maggi. इसका भी मुझे feeling मतलब समझ नहीं आ रहा कि authentic alio olio हमें taste मिलेगा कि नहीं मिलेगा, but try करने में कोई हर्ज नहीं है. आज तो मैं free ही हूँ और आज मुझे यही करना है, अलग अलग तरह की maggi खानी है. So ये कर सकते हैं and I'll just chop the coriander leaves also a little bit more. Okay. सो ये हो गया है. अब जो मैगी है उसे बॉईल करने रख देते हैं बिकॉज उसके बाद हमें हमारा मैजिक मसाला बनाना पड़ेगा. सो आई एम नॉट यूजिंग द फुल मैगी क्योंकि गाइज अगर ये बना नहीं तो फिर सब वेस्ट होगा. सो व्हाट आई एम डूइंग,
जो मैगी में दो होते हैं ना पीसेस, सो वी जस्ट यूजिंग वन ऑफ इट. इट्स ओके. ऑयल लेना है. मेरा ऑलिव ऑयल खत्म हो गया गाइस, सो मैं नॉर्मल ऑयल से काम चलाऊंगी. एडिंग इन सम ऑयल. अब लहसुन जाएगा. फिर उन्होंने बोला है पार्सली लीव्स डालना है, पर अगर वो नहीं हुआ तो धनिया चला सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग धनिया, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करनी थी पार्सली ढूंढने के लिए. चिली फ्लेक्स तीखी करनी है. शिट, मैगी जितनी है उससे ज़्यादा ही मसाले डाल दिए मैंने, बट आई थिंक इतना चलेगा. मसाला इससे एक्चुअली मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आ रही है. यूजिंग हाफ मसाला पैकेट क्योंकि मैगी भी हाफ है. स्मेल्स रियली नाइस. नाउ थोड़ा सा पानी डालना है हमने. ओके गाइस, दिस स्मेल्स रियली नाइस. काफी अच्छी स्मेल आ रही है. एंड दिस इज डन. गैस ऑफ कर देती हूँ. आई सर्व इट इन अ प्लेट. मैगी तो बाहर आयो. टेस्ट करिस? आले एलियो ओलियो स्टाइल मैगी. सारी छे नॉट बैड. इट्स डिफरेंट, इट्स नाइस. स्पाइसी भी है और गार्लिक का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है. बट एलियो ओलियो नो, वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैगी. मतलब अगर आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए तो आप खा सकते हो. लेट्स आस्क प्रियम टू रेट इट फ्रॉम 10. गुड आई थिंक. इट डजंट डिजर्व 10/10 बिकॉज नॉर्मल मैगी भी काफी अच्छी होती है. बट कभी आपको ऐसे कुछ फैंसी करना है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. नेक्स्ट रेसिपी इज दैट चीजी रेसिपी जो आपने देखी होगी लोग कुरकुरे के साथ बनाते हैं, लाइक कुरकुरे एंड मैगी मिक्स करके चीजी रेसिपी. सो इवन आई वॉन्ट टू ट्राई दिस और मुझे देखना है कि वो कैसी टेस्ट में लगती है. सो आई हैव टू कुरकुरे पैकेट. वन इज द सॉलिड मस्ती बिकॉज आई लव सॉलिड मस्ती एंड वन इज द पॉपकॉर्न टू गेट द चीजी फ्लेवर. ओके सो सबसे पहले गैस ऑन करना है और पानी डालना है और आपकी मैगी डाल देनी है. सो पहली रेसिपी में जो हमने मैगी यूज़ करी थी जो आधी बॉइल्ड है और आधी मसाले वाली है, आई एम गोइंग टू रीयूज इट बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट इट. तो इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफर करूंगी और थोड़ा सा एडिशनल मसाला भी डालूंगी ताकि मसाले की कमी ना हो जैसे हमारी लाइफ में है. क्या बात है. ओके अभी इसे बॉइल होने देना है और थोड़ी देर बाद हमें कुरकुरे डाल देना. So, wow, I can't believe I'm doing this. मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे ना एक देखा था जिसमें टमाटर का जो अंदर का आप सब निकाल दो और फिर बाहर का जो हार्ड पार्ट होता है उसका भजिया बनाया था. तो मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं उतनी ही वियर्ड चीज बना रही हूँ. होगा कुछ तो होगा गाइस, हम फिर भी खा लेंगे. कौन है ये लोग? हम चार लोग हैं. हम मैं सबको थोड़ा थोड़ा खिला दूंगी. मैंने सॉलिड मस्ती भी डाल दिया इसके अंदर. गाइस सॉलिड मस्ती तो मस्ती में ही है अपनी. वो नहीं रहा अंदर मिक्स. पॉपकॉर्न तो ऐसे हो गया बट सॉलिड मस्ती मुझे काफी दिख रहा है. इफ यू कैन सी आपको सारे सॉलिड मस्ती दिखेंगे मस्ती करते हुए. वो तो काफी कड़क है. दिस इज डन. खिचड़ा हो गया ये. दैट्स इट. चीज वाला कुछ तो स्मेल आ रहा है. जज को बुलाया जाए. हम लेके चलते हैं या हम भी लेके. प्रिया आएगा टेस्ट करवा. सारी मिली मैगी पति है इसने उठाया ही कुरकुरे जो पिघला नहीं है. उस वाले से ओह माय गॉड. समझ रही हूँ इसका टेस्ट ही समझ रही हूँ. इसको मैगी हर फॉर्म में पसंद है. सो इसे सब अच्छा लग रहा है. इट्स नॉट बैड बट अगर आपको चीजी मैगी खानी है तो आप चीज क्यों यूज नहीं कर सकते. व्हाई डू यू हैव टू यूज पॉपकॉर्न? यू नो मेरा क्वेश्चन वो है. इट्स नॉट बैड, इट्स एडिबल फॉर श्योर. ये तो खत्म हो ही जाएगा. कुरकुरे का स्वाद आ रहा है. गाइस अगर आपको ऐसे बहुत मजे आ रहे हैं अंदर से कि हाँ भाई मुझे तो ये सब ट्राई करना ही है जैसे आज मुझे हुआ है तो आप कर लो ट्राई. बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मैगी को हमें कुछ और तरीके से करना चाहिए. मैगी एज इट इज बड़ी टेस्टी है. इफ़ यू वांट टू ऐड इन समथिंग जस्ट ऐड ओरिजिनल थिंग्स लाइक चीज. तो चीज़ ही डालो. मतलब ये पॉपकॉर्न से बनाने की जरूरत नहीं है. बट इफ आई हैड टू रेट इट आई विल रेट 6/10. थोड़ा ज्यादा. ज्यादा
8.5. ओके सो दोनों के क्लियर काफी अलग विचार है. ही काइंड ऑफ रियली लाइक्ड इट. आई वाज स्टिल ओके, मतलब मेरे लिए पहले वाला इससे थोड़ा सा बेटर था. That's it, guys. We're going to finish this. Not actually me. Priyam is going to finish it. And that's it for this video. I hope you enjoyed this madness that I had in my kitchen. Luckily, in kitchen काफी ज़्यादा spoil नहीं हुआ है. सब जैसा था वैसा का वैसा ही है. I'll see you in my next video, guys. If you liked it, like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना. And I'll see you in my next video. Bye.